देखिए इस पूरे इलाके में अभी तनाव बना हुआ है, लेकिन आसपास के इलाकों में जिस तरह से पुलिस गश्त लगा रही है, जिस तरह से सुरक्षा बल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं, अभी घायलों को आसपास के अस्पताल में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन जो कंफर्म खबर ये है कि दो लोगों की इसमें मौत हो गई है। दो गुटों के बीच ये टकराव कल आपको मालूम है तब शुरू हुआ था जब भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल मैच खत्म हुआ था। उसके बाद जो जश्न मना रहे थे कुछ लोग, दूसरी ओर से पथराव किया गया और उसके बाद हालात बिगड़ने शुरू हुए थे। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि कमोबेश जो है इस इलाके में लोगों से कहा गया है कि वो घर के भीतर ही मौजूद रहे, लेकिन जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर स्थिति सामान्य है। वहाँ पर अगर आप जाइए तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि एक इलाका ऐसा भी है जहाँ तनाव है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, कल पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में जीत का जश्न कुछ लोगों के लिए मातम में बदल गया। मैच के बाद दो धार्मिक गुट आमने सामने आ गए। हिंसा में दो लोग के मारे जाने की खबर है और पूरे इलाके में इस वक्त जबरदस्त तनाव फैला हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देखिए तनाव के हालात अभी यहाँ पर बने हुए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हालात बिल्कुल सामान्य है। अभी पुलिस और सीआरपीएफ के लोग हमने गुड मॉर्निंग सर, या ही हाँ ठीक है भेजो। गुड मॉर्निंग सर, मे कम इन सर? क्या है यार ये मिस्टर, आप इंटरव्यू पे ही अगर लेट हैं आप आगे किस तरह काम करेंगे? सर आई एम रियली सॉरी सर, सर एक्चुअली बाहर बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो गया, ट्रैफिक जाम था सर, बस एक चांस दे दीजिए सर। मतलब एक लास्ट चांस आप कह रहे हैं? सर एक चांस सर, बिल्कुल सर। और इस बार आप टाइम पे आएंगे? सर मैं 15 मिनट पहले आ जाऊंगा सर, आपको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। चलिए देखिए आज तो अब हो नहीं पाएगा, आप नेक्स्ट मंडे आइए। जी सर। लेकिन टाइम से। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच सर। एंड लिसन। जी सर। ये हुलिया क्या बना रखा है? आप सेल्स में हैं, आपको कम से कम थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो ये सब चेंज करके आएंगे। गुड बाय। जी।
क्या क्या झांक रहा था? झांक नहीं रहा था मैं सर, वो शेव कराना था, मैं दुकान को ही देख रहा था कि दुकान खुली हो तो एक्चुअली शेव जी। कोई दिक्कत हो तो बाद में आ जाऊंगा, कोई ऐसी परेशानी नहीं। बाहर देखा क्या माहौल है? हाँ जी। और जनाब हजामत बनवाने आए? नहीं, एक्चुअली कुछ जरूरी था, मेरा इंटरव्यू आज, नहीं तो मैं आज टाइम क्यों निकलता? आपने भी तो कर्फ्यू के दौरान देखा। कल रात कुछ लोग आए थे मेरे घर, घर जला गए मेरा, ना जाने क्या दुश्मनी थी उनको मुझसे, सब जला दिया, सब खत्म हो गया, बस एक ये दुकान ही बची है। कब तक खून चूसोगे? कौन है ये लोग? शटर की मत क्या? क्या हो रहा है सर? क्या करना चाह रहे हो? यहाँ सब पता चल जाएगा। और चुप रहियो। वैसे भी बाहर सुनने वाला है कौन तेरी? अशफाक मियां। जनाब ने अपना नाम क्या बताया? अम्मा अभी तो गुफ्तगु शुरू हुई थी, आप आ गए। नहीं बताया तो अब बताएगा। नाम बोल। शिराज। हाँ शिराज। शिराज। ये तो अपना आदमी निकला, अपने भाई। चल जा, जाने। अली दरवाजा खोल बेटे। अरे पहले ही कह दिया होता, अपना ही आदमी है। दंगे हो रहे हैं बाहर, ठीक है? माहौल खराब है, ख्याल रखना। अली एक मिनट रुक। शिराज मियां, इसका क्या राज? हाँ कुछ नहीं। क्या है ये? धागा। हिंदू है। पूरा नाम बोल। बोल पूरा नाम बता। शिराज भारद्वाज। मुझे जाने दो। बैठ। नाम पता निकाल। जाने दो मुझे कुछ नहीं कराना। साले हजामत तो तेरी अब हम बनाएंगे। शिराज भारद्वाज हिंदू। शिराज और भारद्वाज साथ साथ कैसे? मेरे फादर ने बहुत मशहूर उर्दू शायर पे मेरा नाम रखा था। ये जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है सब। ठीक तो यहाँ बहुत कुछ नहीं हो रहा है। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जाना था यहाँ से। गलती मेरे अब्बू की भी नहीं थी, फिर क्यों जिंदा जला दिया उन्हें? जिसने जिंदा जला जाओ उसको जाके जरा, मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है? वो तुमने सही है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। और मौत का मतलब मौत होता है। हसन करना क्या सर, तुम लोग मेरे को छोड़ दो। प्लीज मुझे छोड़ दो। देखो मैं तुम्हारे बुका कुछ नहीं बिगाड़ता। बिगाड़ साले को, मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे छोड़ दो। ठीक नहीं कर रहे तुम लोग।
15,000 रुपये। हाँ जी। सौ रुपये खुले पैसे नहीं है? कोई बात नहीं भाई साहब, अगली बार जब आऊँगा तब एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। ध्यान से जाना। शुक्रिया। एक और जहां मुमकिन है, 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 जहां फसलें सबकी सांझी हो, जहां खुशियां सबकी सांझी हो, जहां गमों को बांटा जाता हो, इंसाफ को जांचा जाता हो, मजदूर को उजरत मिलती हो, इजहार को जुरत मिलती हो, सभी को यकसां हो, एक दौर खुशी का रक्सां हो, जहां दार न हो सरदार न हो, वहशत का कारोबार न हो, जहाँ